नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फाइनली आज अपन बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के सेकंड फेज के एडमिट कार्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट फेज के जो एडमिट कार्ड है जारी हो चुके हैं। एग्जाम भी आपको कंडक्ट हो रहा है, यानी 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक आपके एग्जाम होने वाली है। अब सेकंड फेज का एग्जाम में आपको पता है 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड आपको इस पर से डाउनलोड करने होंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी शिफ्टों के एग्जाम होंगे उनके एडमिट कार्ड को लेकर के उनकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी और एग्जाम पेपर का एनालिसिस भी हम इस चैनल पर आपको करवा रहे हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो एडमिट कार्ड वगैरह देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट rkl.in पर आपको आना होगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए या फिर आप गूगल पर भी आके rkl.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप आरकेले रूटीन सर्च करते हैं तो आपके सामने आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनसे रिलेटेड और इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी के एडमिट कार्ड और आंसर की वगैरह आपको इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम की रिजल्ट चेक करना है तो डायरेक्टली आप इन लिंक पर क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम की रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस की रिजल्ट और रीट भर्ती से रिलेटेड सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं रेलवे एनटीपीसी के एडमिट कार्ड आंसर की के बारे में। तो या तो आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सर्च बॉक्स पर आके लिख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, और आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड को लेकर के। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप इतनी सारी वेबसाइट है आरआरबी की। अब मैं किसी भी एक वेबसाइट पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आरआरबी की भोपाल की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अपन देख पाते हैं नोटिस ऑन सेकंड फेज एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ सीबीटी 1। यहाँ पे अपन जैसे ही इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो सेकंड फेज के एग्ज़ाम है 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक चलने वाली है। 27 लाख स्टूडेंट इसके अंदर बैठने वाले हैं। SC ST की ट्रैवलिंग अथॉरिटी और एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको वो 6/1/2021 से मिल जाएगी वेबसाइट पे, ठीक है, आरआरबी की वेबसाइट पे। और इसके अलावा अगर आपको ई कॉलेटर ने अगर एडमिट कार्ड वगैरह देखने हैं तो 4 दिन पहले जो है आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, एडमिट कार्ड का लेकर के लिंक, इसी प्रकार का एक लिंक आपके सामने आएगा। कल 6 तारीख है, ठीक है, कल 6 तारीख है, कल आपको एक लिंक मिल जाएगा। जाके आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी पासवर्ड लगाना है और आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी दिखाई देगी। और अगर वो पहले वाला वही दिखाता था कि आप इस फेज के अंदर निर्धारित नहीं हैं तो आप ये समझ लेना आप सेकंड फेज के लिए निर्धारित नहीं है, आपको आने वाली फेज के अंदर एग्जाम होने वाली है। दो ही चीज़ दिखाई देंगी, या तो आपको एग्जाम डेट एग्जाम सिटी पता चल जाएगी या फिर आपको जो है उसके अंदर ये बताया जाएगा कि आप इस फेज के लिए नहीं है एग्जाम देने के लिए, अगले फेज में आपकी एग्जाम होगी, ठीक है गाइज। तो दो चीज़ दिखाएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा कल 6 तारीख को, ठीक है। जैसे आएगा वो हम उसके सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।